एनर्जी ऑफ स्टेशनरी वेव्स। हम जानते हैं कि स्टेशनरी वेव्स तब बनता है जब दो आइडेंटिकल वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आए और वो आपस में सुपरपोज करें, तब स्टेशनरी वेव्स बनता है। चूँकि दोनों वेव अलग अलग डायरेक्शन पे ऑपोजिट डायरेक्शन से आते हैं तो उनका जो एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, और उसके बाद जब वो सुपरपोज करेगा तब जो नेट एनर्जी का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में ज़ीरो होना चाहिए। यानी स्टेशनरी वेव्स का ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है। ये हम लोग इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखेंगे। तो अगर एक स्टेशनरी वेव्स बनता है जहाँ पर कि दोनों एंड मीडियम का फ्री हो, तब जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आता है वो होता है y इक्वल टू 2a cos 2 पाई x बाय लैम्डा sin 2 पाई बाय लैम्डा v t। ये उस वेव का एम्पलीट्यूड होगा, लैम्डा वेवलेंथ है, वी वेलोसिटी ऑफ द वेव है, टी जिस समय में हम उसको देख रहे हैं, और एक्स पोजिशन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू टू ए कॉस टू पाई एक्स बाई लैम्डा साइन 2 पाई, और लैम्डा बाई भी इज द टाइम पीरियड डिनोटेड बाई कैपिटल टी। तब यह ऐसा हो जाएगा टी टी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन ए मीडियम हुज टू एंड्स आर फ्री। तब हम लोग प्रेशर लिख सकते हैं पी इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, के इज द बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस के डी वाई बाई डी एक्स विल बी टू इंटू टू पाई बाई लैम्डा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होगा, माइनस साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन 2 पाई टी बाय टी, और ये दिस इज इक्वल टू 4 पाई ए के बाय लैम्डा साइन 2 पाई एक्स बाय लैम्डा साइन 2 पाई टी बाई टी। के को हम लोग लिख सकते हैं के इज द बल्क मॉडुलस, के इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम और वी द वेलोसिटी। इसको देखेंगे, अगर हम डायमेंशनली देखें तो आप लोग इसको सॉल्व करके इजिली देख सकते हैं के वी स्क्वायर इंटू रो के बराबर आता है। तब इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं P, दैट इज द प्रेशर वेरिएशन इज इक्वल टू 4 पाई ए, और K के बदले लिखेंगे V स्क्वायर रो बाई लैम्डा साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा साइन 2 पाई टी बाई टी।
अब हम लोग इसको लिख सकते हैं P equal to P naught साइन 2 pi P by capital T, वेर पी नॉट इज इक्वल टू 4 pi a V square rho by lambda साइन 2 pi x by lambda। अब हम लोग लिख सकते हैं द पार्टिकल वेलोसिटी u, दिस इज इक्वल टू, यहां से y वॉज इक्वल टू 2 a cos 2 pi x by lambda साइन 2 pi T by T। तब यहां से u पार्टिकल वेलोसिटी इज dy by dt और दिस इज इक्वल टू 2 a cos 2 pi x by lambda। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, और यहाँ पर अगर इस टी के बदले हम लोग लैम्डा बाई भी लें तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ साइन 2 pi V by lambda T, एंड दिस इज इक्वल टू 2 a cos 2 pi x by lambda, और यहाँ पर 2 pi by lambda V cos 2 pi, और लैम्डा बाई भी को फिर से हम लोग कैपिटल टी लिखें टी, और ये हो जाएगा 4 pi a V by lambda cos 2 pi x by lambda cos 2 pi T by T। तब u को हम लोग लिख सकते हैं u इक्वल टू u नॉट cos 2 पाई टी बाय टी, वेर u नॉट इज इक्वल टू 4 पाई ए भी बाय लैम्डा cos 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। तब हमारे पास पी और यू दोनों आ चुका है ना। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम डी टी will be equal to u dt. Therefore, the energy transferred per unit area
that is the work done will be P U dt. This is energy transferred. Per unit area, या कहें work done per unit area. ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं, P is the pressure variation, that is force per unit area. UDT is the distance traveled in short interval of time, DT. Therefore, this is, if this is S, then FS by A, or A work done hoga, that is, this is work done per unit area. Tab the work done per unit area in कंप्लीट टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट एरिया इन कंप्लीट टाइम पीरियड टी will be given by 0 to T P U dt. Now the rate of transfer of energy, yeah, work done per unit, the rate of work done per unit area, और द वेव इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 by T capital T 0 to capital T, we will integrate, and this is P U dt. तो देखें इसका वैल्यू कितना आता है. So this is equal to 1 by T 0 to T और P के बदले P नॉट साइन 2 पाई T बाई T एंड U के बदले U नॉट कॉस 2 पाई T बाई T डी टी. तो P नॉट और U नॉट को हम लोग इस इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि पी नॉट और यू नॉट में कोई भी टी का टर्म नहीं है. सो दिस इज इक्वल टू पी नॉट यू नॉट बाय कैपिटल टी जीरो टू टी साइन टू पाई टी बाय टी कॉस टू पाई स्मॉल टी बाय टी dt. अब ऊपर नीचे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 और यहाँ 2, तब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं. तब ये क्या हो जाएगा, p नॉट u नॉट बाय 2t 0 टू t और साइन 4 पाई
टी बाई कैपिटल टी डी टी। अब ये इंटीग्रेशन जो है उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग आसानी से देख पाएंगे कि इसका वैल्यू जो होगा ज़ीरो होगा। सो ये टोटल दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये क्या था, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो इससे हम लोग देख सकते हैं कि स्टेशनरी वेव में एनर्जी ट्रांसफ़र किसी भी डायरेक्शन में नहीं होता है।